बच्चों की चहल पहल रहती है नीचे, तो उसकी वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं, सूरज को उगता हुआ देख पाते हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। यस, और दूसरी चीज़ ये कि वो ये इनिशिएटिव जिसके लिए मैं आया हूँ, आपका नेक्स्ट सवाल ही होगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ तो ये जो इनिशिएटिव जिसके लिए मैं आया, पहल जो जारी की है कुपोषण के, जो बदलने के लिए, उसको सुधारने के लिए, हमारे जो विधायक हैं असलम शेख भाई ने
और बहुत चाहते नेता हैं वो मेरे, क्योंकि बहुत यंग हैं और बहुत काम करवाते हैं, बहुत सुख वाली ज़िंदगी जीता उनके क्षेत्र में रह के, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। देखिए सबसे पहले तो खुशी की बात ये है कि ये तीसरा साल है और करीबन 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं सवेरे 7 बजे अगर उठ के आते हैं तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इंसिडेंट होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो तमाम उस तरीके की सुविधाएं रखी गई है, काफ़ी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पुलिस के काफ़ी लोग हैं, लेडीज़ पुलिस काफ़ी हैं, हमने दूसरे जो हैं क्राइम के लोगों को भी जो है यहाँ पे बुला के रखा है। तो देखिए आप यहाँ जो लोग आते हैं इंटेंशन से कि सुबह सुबह अपने आप को फ्रेश किया जाए, सारे जो दुख हैं वो घर में छोड़ के आके इंजॉय किया जाए, होता नहीं है बेसिकली मुंबई शहर में, इतना बड़ा इवेंट आम जनता को देखने मिलता नहीं है, सेलिब्रिटीज़ इतने देखने मिलते नहीं हैं, तो सारा फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, लोग इसे इंजॉय करते हैं, सारे एक्सरसाइज करते हैं, फन करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सोशल मुद्दा चुना है आपने कुपोषण की, मैं कुपोषण की अगर बात करूँ तो हिंदुस्तान में अनगिनत बच्चे कुपोषण की वजह से ही डेथ हो जाती है, उनकी क्या कहना है और ये आइडिया कैसे आया कि कुपोषण को इस बार मराठ फेस्टिवल का हिस्सा बनाया? देखिए ऐसा है कि पूरे महाराष्ट्र में करीबन 11,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कुपोषण के शिकार हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएँ है, हमारी जो आदिवासी विभागों में जो महिलाएँ रहती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको खाने की वो सुविधा जो होनी चाहिए वो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने जो एनजीओज इस महाराष्ट्र के अंदर ऐसे मुद्दों पे ऐसी जगहों पे जो काम करते हैं उनको यहाँ पे बुला के काफ़ी मॉनिटरी जो है हमने हेल्प करने का काम किया है, हमारी जो ALM है, हमारी जो विजन फाउंडेशन है, इन्होंने उनको जो है आर्थिक मदद कर रहे हैं ताकि जो है ऐसे केसेस कम हो और उनको बेचारी उनकी जान नहीं जावे ऐसे अच्छे काम में। ऑल द स्टेट्स हैव द बजट बट थिंग इज दैट इट डजंट गो प्रॉपरली, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर आर सो मेनी कॉसेस ऑफ डेथ हैपनिंग एवरी ईयर। लास्ट ईयर ओनली इट वाज मोर देन 11,000 पीपल हु हैव डाइड, किड्स हु हैव डाइड, सो लेट्स नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। So instead of criticizing the government, let every individual come forward and see that how best we can help those people. Sir, आज के सरकार बना रही है कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे कांग्रेस सरकार बना रही है तीनों राज्यों में। देखिए ऐसा है कि आने वाले दिनों में जब 11 तारीख को नतीजा आएगा तो अगले संडे को हम लोग फिर बैठने वाले हैं, इस पर अच्छे से चर्चा करें। आज तो मैं चाहता हूँ कि मलाड़ मस्ती जो मलाड़ मस्ती बन के रह जाए, कहाँ कांग्रेस और BJP और ये सब लोग और पूरी जनता त्रस्त है, ये मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर आज के इस को कोई मस्ती करना, शहर में पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मारा गया, उस पर आप क्या गाय लेके काम, योगी जी ने मीटिंग ली लेकिन उस किस्से का कहीं भी जिक्र नहीं, प्रेस रिलीज में भी नहीं है, पुलिस ऑफिसर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है सर, व्हाट इज। देखिए इससे सरकार किस तरह काम करती है उसी पे आपको समझ में आता है, सरकार में अगर पुलिस वाले ही मार खाएंगे, अधिकारी अगर मारे जाएंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चैनल्स हैं ना उसको ये उजागर करना चाहिए, ये सारी बातें पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जो देश के अंदर अगर पुलिस ही लोगों पुलिस को अगर लोग खींच खींच के मारेंगे, पुलिस को अगर गोलियां मारेंगे तो देश सही तरीके से चल नहीं। सर आज की इस नफरत की राजनीति में जब इस तरह का आप मलाड़ मस्ती प्रोग्राम करते हो जिसमें सर्वधर्म सर्व जाति के लोग रहते हैं तो कैसा लग रहा है? ये हमारा हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान का कल्चर है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सारे लोग सारे धर्म के लोग एक साथ आते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये मलाड़ मस्ती कॉन्सेप्ट इसीलिए कि देश में जो नफरत है वो किसी तरीके से बाजू में की जाए, सारे लोगों को इकट्ठा करके इंजॉय किया जाए, फिटनेस में रखा जाए, खास करके जो यंग बच्चे गैजेट में कंप्यूटर में मोबाइल में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। और जिस तरीके से पुराने ज़माने में कबड्डी खो खो क्रिकेट सारे फिजिकल गेम खेले जाते उसमें इन्वॉल्व किया जाए, कोई भी काम लोगों को पे करके करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी पे लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, एक भारी भीड़ भी है यहाँ पर, तो इन सबको कराने के लिए जब आपकी पूरी टीम लगी होगी तो आप इन बातों पर कितना नजर रखते हैं? और ये तीसरा साल है तो हर साल कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, आप इस साल क्या कुछ डिफरेंट? इसमें 70 से ज़्यादा इवेंट रखा गया है, छोटे छोटे प्रोग्राम रखे गए हैं, 5 साल के बच्चे से लेके 70 साल का बूढ़ा भी यहाँ पे उसके लिए जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट रखा गया है। और मुझे लगता है कि ये फ्री होने के कारण जो है सारे सेलिब्रिटी भी सामने से आते हैं, वो भी चाहते हैं कि सोसाइटी को कुछ दें, क्योंकि अभी गवर्नमेंट से तो कुछ मिलना नहीं है,
तो सोचते हैं चलो इसी तरीके से हम सोसाइटी को कुछ दे सकें। थैंक यू। ओके, लास्ट वन राघव की मैं बात करूं, जैसे आपने सेलिब्रिटी का जिक्र किया या मैं यश टॉन की बात करूं, आप कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं कि लोग इतना मसरूफियत के बाद भी वक्त निकल के आते? देखिए, ये सारे लोग जो हैं इस मुंबई शहर के हैं और ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं वो हमारे वेस्टर्न सबअर्ब के हैं। कोई मलाड में रहा है, कोई गोरेगांव में रहा है, कोई कांदिवली में रहा है, तो उनको भी ऐसा लगता है कि क्यों ना आके हम यहीं से बड़े हैं तो क्यों हम इनके साथ अपना हैप्पीनेस शेयर ना करें। इसीलिए ऐसा हो पाता है, वो सोच पाते हैं वैसे। अभी तक वो क्रिकेट व्रिकेट हम देखते हैं, खेलते हैं, सब करते हैं, वो यंग हैं, वो समझते हैं, यूथ को समझते हैं, वो यूथ की जो मैंटालिटी है उसके थ्रू जाते हैं, वो ओल्ड स्कूल से नहीं आ रहे हैं। सोचिए, यहाँ पर उनके जो पार्टी उनमें से कोई नहीं ले पाया सीट, वो सिर्फ एक हो ही थे जो यहाँ पर सीट ली थी। कुछ वजह है क्योंकि यूथ उनके साथ है और यूथ की जो मैंटालिटी है उसको वो समझते हैं और उसके इर्द गिर्द रह के ही वो काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत से हमने परफॉर्मेंस यहाँ पे देखे, जो बच्चे रेमो सर की शाबाशी लेके आए हुए हैं, कई शोज का ऑलरेडी हिस्सा है। सबने देखा, उन्होंने बहुत सिखाया है हमें डांस के रिलेटेड ही और कैमरा एंगल के रिलेटेड भी बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। वो हमारे एक तरह से मेंटर हैं और क्या, हमें कुछ डांस के फॉर्म्स हमें पता नहीं था जो उन्होंने बताए हैं और ओपन कराया, तो यह सिर्फ नॉस्टैल्जिक होता है। बिल्कुल जैसा आपने बोला, पुराने दिन याद आते हैं जब उनको देखता हूँ बैक स्टेज, वो वार्म अप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो याद आता है वो दिन। ओके, व्हाट नेक्स्ट, और क्या हो रहा है प्रोफेशनल फ्रंट पर? और ये लुक किसी फिल्म वगैरह के लिए नहीं? यार, मेरा कुछ थिएटर चल रहा है, उसका चल रहा है, बाकी जो फिल्म जो हैं उसमें मेरी वो आ रही है अपनी डांस फिल्म रेमो सर के साथ, वो है, और एक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, वो थोड़ी आर्ट फिल्म है, वो अलग है। थिएटर वगैरह कर रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, एक्टिंग एक साल हो गया अब करते हुए और सीखते हुए एक साल हो गया। सौरभ सचदेवा मेरे मेंटर है और एक्टिंग कोच है, तो उनसे वरुण के भी वही थे, वरुण के वो थे फ्रीदा पिंटो और ऋचा चड्डा, इन सबके वही, तो मेरे भी अभी वही सिखा रहे हैं लोग। असलम शेख को ही देखा? बिल्कुल असलम शेख भाई, और कोई नहीं, क्योंकि यूथ है, कनेक्ट करता हूँ मैं उनके साथ जिस तरह के वो इवेंट्स कराते हैं, ये मतलब कोई और कराता नहीं है। दिस इज अमेजिंग फॉर एन आर्टिस्ट ऑल्सो। थैंक यू राघव। रोलिंग आपकी जानकारी के लिए, मैं रोज 11 बजे सो जाता हूँ और मैं सुबह 7:45 बजे उठ जाता हूँ। कितना अलग होता है इस तरह का इवेंट जब हम कुपोषण की बात करते हैं? यार देखिए, पहली बात तो कोई भी कॉज हो, जैसे बच्चों से रिलेटेड है, मैल न्यूट्रिशन फॉर किड्स, तो किसी भी कॉज के लिए अगर हम वो 1% या 0.5% भी हिस्सा बन सके ना, तो हमारे लिए बड़ा, क्योंकि आप रेगुलर लाइफ में खुद इतना बिजी होते हैं, अपने लाइफ में आपके लिए कोई भी काम करने का टाइम नहीं होता या थॉट भी नहीं आता कभी कभी, बता रहा हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और कभी कभी जब ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ कोई ऐसे एक कोई आदमी इनिशिएट करता है ऐसी चीज़, तो उसका साथ देने में बड़ा मज़ा आता है, तब आपको नहीं लगता कि सुबह उठ रहे हो वैसे, बट इट्स अ ग्रेट कॉज एंड वी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। व्हाट टू से अबाउट असलम शेख, नाउ दिस इज द थर्ड ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार इस एरिया में आप देखिए, सबसे बड़े मॉल है, सबसे बड़ा गार्डन है, मैंने तरक्की इसी एरिया में रह के की है, तो इसकी बढ़ाई के लिए बारे में और कुछ ज़्यादा बोल सकता नहीं यार मैं, मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट एरियाज टू स्टे, यहाँ की ज़मीन में तरक्की है काफ़ी। और आई थिंक असलम भाई ने हमेशा आई थिंक ज़रूरतमंदों का या जो नए लोग भी हैं ना उनका बड़ा साथ दिया है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि ये मेरे एरिया का नहीं है और वहाँ का नहीं है। इनफैक्ट जब मैं गोरेगांव में रहता था तब भी मैंने असलम भाई से पहचान दी और काफ़ी बनाना है, तो उनके साथ बहुत अच्छे इंसान है बेसिकली, तो जो भी इनिशिएटिव लेते हैं ना वो बड़ा अच्छे कॉज के लिए। दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स, ना आउटडोर एक्टिविटी भी होती है। करेक्ट करेक्ट, ये मतलब मैं 2 साल से मुझे बोल रहे थे, बट बिकॉज आई वाज शूटिंग आउटसाइड बॉम्बे तो मैं आ नहीं पाया, आज थोड़ी देर आँखें फटी रह गई, इतने लोग एक साथ, मेरा घर पहले वहाँ सामने था तो मैं देख रहा था यार, इतने इस कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसी जगह पे इतना बड़ा इवेंट हो सकता है। क्या बोलते सिद्धार्थ?
ये जो आमदार यहाँ के एमएलए असद सिंह जी ने जो कॉन्सेप्ट लाया हुआ है मलाड मस्ती, ये एक इंडिया में अनोखा कॉन्सेप्ट है। ये आउट ऑफ इंडिया ही देखा जाता था कि भाई लास्ट मंथ में होता है इस तरीके का, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ उठा के ला के यहाँ पर रखी हुई है। और इतना रोड बड़ा मिलना, रोड को बंद करना, सेलिब्रिटीज़ को बुलाना एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स एथलीट लोगों को बुलाना, सबको बुलाना, एक जगह पे जमा करना ऑल ओवर मुंबई के लोगों को, उतने लोगों को संभाल के वापस से अपने अपने घर तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ी चीज़ जो है एमएलए असलम सिंह ने जो किया हुआ है वो सबसे बड़ा अरेंजमेंट मैंने यहाँ की पुलिस के थ्रू बीएमसी के थ्रू सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सक्सेस प्रोग्राम में आप देखोगे कि नज़र उड़ा के चलने के लिए नहीं। और यही जो रोड होता है जहाँ के एक्सीडेंट होते हैं, बाइक राइडर्स भगाया करते हैं, और आज भी आप नज़र उठा के देखो तो लाखों की तादाद में लोग चलने के लिए जगह नहीं, बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट एमएलए असलम सिंह जी के लिए, इसी तरीके से आगे करते रहे हमारी पूरी टीम सब साथ में उनके आगे रहे। ये जो इनिशिएटिव है ये इतना अच्छा है कि एवरी संडे पीपल हैव समथिंग टू डू। अदरवाइज क्या होता है नॉर्मली कि हम फ्राइडे सैटरडे पार्टी करते हैं और हम संडे को सोते हैं, पर एटलीस्ट मलाड मस्ती के लिए लोग उठते हैं, आते हैं और इतना फन करते हैं, और स्पेशली इतना एंथुसियास्टिक रहना इज वेरी थैंक यू। Actually, this was all, the credit goes to the crowd and the people and the aura around us. It is so amazing because सारे जितने भी लोग लगे हैं उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, जहाँ पे कोई पॉच पॉच नहीं है, people are not making sad faces and they are so comfortably standing and listening to us, that is more important. ये तो देखो निक बोलते ना आदमी को नसीब की बात है कौन से बच्चे किस जगह हुए, लेकिन हम सबका फ़र्ज़ है कि जिस तरीके से भी हम हेल्प करें, आज काफ़ी सारे एनजीओज है जैसे भी हम हेल्प करें उनको करना चाहिए ताकि उनको भी इस तरीके की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। ये तो बहुत एक सब लोगों के लिए ज़रूरी है, अब चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास, जो भी हमारी इंसानियत है कि हम किसी तरीके से भी उनको हेल्प पहुँचा सके तो पहुँचाना बहुत ज़रूरी। तो हम लोग जो है खानदानी है, हम पहला मैं रेसलर था, कुश्ती लड़ता था, उसके बाद हमारे आमदार असलम शेख जी ने मुझे नगर सेवक बना दिया, तो उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। हमारे आमदार असलम शेख खुद एक स्पोर्ट्समैन है, आपको पता चला होगा उस दिन मैच खेल रहे थे तो थोड़ा उनको मोच आ गया, तो वो चाहते हैं कि लोगों में एक उत्सुकता आए और लोगों में एक सुबह सुबह आज ये 14 साल है मलाड मस्ती का, ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग, आप लोग का आशीर्वाद और पब्लिक का ऐसा असलम भाई मोटिवेशन कर देंगे। आप एक बिल्डर हैं, बिल्डर कितना काम आते हैं? देखो नगर सेवक और बिल्डर में बहुत ये फर्क है, ये तो हमारी ऊपर वाली की देन है, मेरे माँ बाप की देन है, जैसे बाप रहेगा वैसा बेटा रहेगा, तो नगर सेवक और बिल्डर इसमें बहुत का ये मिलता है, अरे आपके जैसा हमको भी बनना है। तो लोगों ने आज देखो आप बच्चे छोटे बच्चे नशा की तरफ ओढ़े जाते हैं, आज कितने जो बच्चे स्कूल में बच्चे नशा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो हम जो भी बच्चा हमारे से मिलता है वो प्रेरित हो जाता है, सर जी ये नहीं तो हम लोग उनको बोलते हैं नहीं नशा ने अपने माँ बाप ने आपको स्कूल भेजा है कॉलेज भेजा है तो पढ़ाई करना चाहिए, उसका पूरा फायदा आज देखो जो बच्चा पढ़ते हैं उनको अच्छा जॉब मिलता है, बाहर देश में जाते हैं। तो मैं अपने समाज से अपने देश में जो पढ़ने वाले को बच्चों एक ही प्रेरणा देगा, जो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ में अगर एक्सरसाइज करोगे तो हमारे आमदार असलम शेख जी के जैसे बनोगे। Because I waited 8 long years for a break, but now finally we thought it's okay, let's not wait anymore. इतना बड़ा platform हो गया है YouTube and social media, इतना बड़ा platform है कि आपको अगर audience चाहती है तो you can become a star, which is तो सबसे बड़ा example है नेहा कक्कड़। So yes, I am releasing my first single ever on Jan. Thank you. Okay, चला। शानदार program रखा है, मलाड मस्ती, शायद पहली बार मलाड के अंदर ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिनके अंदर बच्चे भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, हम सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कभी पत्थर का खेल है कभी फूलों का खेल है, जिंदगी तो एक मुकद्दर का खेल है, जिनको हम ढूंढते हैं जमाने में उम्र भर, वो जिंदगी तो खुद अपने ही अंदर का खेल है। क्या बात है।
बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बात देखिए, जहाँ इतने सारे बच्चे जुड़े हों, इतना यूथ जुड़ा हो, तो और एज अ कलाकार हम उन तक पहुँच सके, ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं। और सुबह सुबह उसकी बात ही अलग है। देखिए ये बहुत ही अच्छा एक इवेंट की शुरुआत की है हमारे असलम शेख ने, और कहीं ना कहीं देखिए हमारा यूथ ही है जो कल का भविष्य बनाने वाला है। एक एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़ते हैं, कोई खेलता है, अलग अलग यहाँ पे कोई योगा का स्टॉल है तो कहीं मेडिटेशन का स्टॉल है, जहाँ से बच्चों में अच्छी जानकारी, अच्छे गुणों के बारे में बताया जा सके। और यही है हमारा मतलब, जितना आप आने वाले भविष्य में, मतलब जितना बच्चों में अभी जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जितनी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, अच्छे खाने पीने के बारे में उनको जानकारियां देंगे, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। राइट नाउ आई एम डूइंग अ शो ऑन कलर्स, इट्स कॉल्ड रूप, तो फिलहाल तो हम बिजी विद दैट। I whenever fans like anything of mine, I just love them, and yeah, that's it. Because you work for the audience, for the people. एक कोई character अगर हम film का हो या TV का हो, और हम कोशिश यही रहती है कि लोगों तक जुड़ें, और अगर वो appreciate करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनके दिल की तार कहीं ना कहीं तो हिले हैं। सब बिग बॉस खत्म होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, श्रीशान, करणवीर या दीपिका या दीपक? देखिए करणवीर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि करणवीर ही जीते, बाकी आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट फॉलोअर ऑफ बिग बॉस, बट मुझे मालूम है करण इज देयर, ही इज अ फ्रेंड, सो आई वांट हिम टू विन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शूटिंग होता है, जब भी काम होता है उठ जाते हैं सुबह सुबह, और मलाड मस्ती में मैं हमेशा से पार्ट रही हूँ, लास्ट ईयर भी थी और इस साल और बड़े तरीके से हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन भी और ज़्यादा बढ़ रहा है मलाड मस्ती का, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली संडे को पब्लिक उठती नहीं है जल्दी से, एक ही छुट्टी का दिन मिलता है उन्हें, तो उसमें भी वो लोग सुबह सुबह उठ के आ रहे, इतना इंतु दिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, एंड ऑल दिस इज़ फॉर अ नोबल कॉज, so for malnutrition, so obviously we all are supporting, like we all actors and whoever like possible, because Aslam Sheikh have taken a very good initiative, to ek tarike se ek aisa lagta hai ki picnic ho raha hai Sunday ko na, sab log pura malad ikattha hota hai, and we do a lot of masti, so it's good. Do you think it's a good start? Yeah. You know, you see it happening on a grand scale. Children who are normally involved in their gadget, in mobile, they are out doing for, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अभी ऐसा हो गया कि कोई पड़ोसियों से भी मिलने का टाइम नहीं होता है किसी के पास, और ऐसे में अगर ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे सब लोग मिलते हैं एक साथ इकट्ठा, बहुत सारी मस्ती करते हफ्ते में एक बार, सो आई थिंक That should be it, because आजकल जैसे आपने कहा बच्चे मोबाइल में ही घुस रहते हैं या वीडियो गेम्स में या घर में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर, पढ़ाई का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो ऑल दिस इज़ नीडेड फॉर द चिल्ड्रेन एज वेल एज देयर पेरेंट्स, एवरीवन विल गेट अ चांस टू गेट आउट एंड जस्ट यू नो मस्ती करना, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मलाड मस्ती, बिकॉज यहाँ पे सब लोग आते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को, एंड दे ऑल्सो एन्जॉय, हैव फन, तो यू नो वॉट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फॉर अ संडे मॉर्निंग, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। Okay, what happening on professional front? I am producing something, and uske details main abhi bata nahi sakti, but very soon, I guess by next year, I'll give you guys a good news. Album or a fictional show? Show, but it's a web series. Thank you so much. Thank you so much.